ये हम इब्राहिम को लेके निकल पड़े हैं, इब्राहिम और अरिबा को लेके घर की तरफ। तो आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के कुछ नज़ारे दोपहर के टाइम, जब लंच टाइम चल रहा होता है और ऑफिस से लोग आ जाते हैं अपने अपने, और एक चहल पहल बढ़ जाती है। ये मधुविहार है, यहाँ ना छोटी छोटी थोड़ी सी ठेली खड़ी रहती है ईस्ट दिल्ली में हर जगह। तो लंच टाइम में लो बजट वाले लोग यहाँ पर आते हैं और खाना खाते हैं ठेली वगैरह पे, और खाना भी ऐसी बात नहीं है, अच्छा ही बनाते हैं। तो ये सारी सोसाइटी यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर, सुकून भरा माहौल है। जिस जगह से मैं जाता हूँ वो बहुत सुकून वाली सड़क है, वहाँ ट्रैफिक भी नहीं होता और पेड़ बहुत है वहाँ पर। वहाँ पर भी एक स्कूल है, उसकी भी छुट्टी होने वाली होगी थोड़ी बहुत देर में। ये एक स्कूल है काफ़ी प्यारा है, लाइक अ पब्लिक स्कूल। और यहाँ पर अक्सर करके इब्राहिम और अब तो अरिबा भी खेलने के लिए आते इस पार्क में। काफ़ी अच्छा पार्क है, अरे भाई कह रही इस पार्क में एंजॉय करा दो, काफ़ी ग्रीनरी है इस पार्क में। तो छोटा है वैसे तो बच्चे नज़र में रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर भाग के चले गए तो उन्हें चिल्लाते फिरो। तो सेफ्टी के एतबार से मुझे लगता है कि ये पार्क ठीक रहता है, बच्चे ज़्यादा दूर भी नहीं जाते, नज़र में बने रहते हैं। ये IP एक्सटेंशन में पार्क है मिठी अपार्टमेंट के पास में, ठीक है जी। और यहाँ पर पत्तियाँ जलाई गई हैं खूब सारी, जो पतझड़ के मौसम में इकट्ठी हो जाती हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि आप पत्तियाँ नहीं जला सकते, पॉल्यूशन होता है। तो इसमें कुछ ये हंडिया सी भी बहुत पड़ी हैं, ये वाली, ये पड़ी है हंडिया, वो पड़ी है हंडिया, चारों तरफ हंडिया हंडिया सी पड़ी हैं। ये देखिए काफ़ी सारी हंडियाँ हैं, तो क्यों पड़ी है नहीं पता। देखिए ये देखिए ये देखिए, और पॉल्यूशन हुआ होगा, कितनी आग लगी होगी इसके अंदर ना। ये पेड़ के इस साइड वाले हिस्से की सारी पत्तियाँ जल जला सी गई हैं, ये सूख गया। तो हालांकि इसमें और भी पत्तियाँ हैं मौजूद, ये देखिए यहाँ पर पत्तियाँ हैं इस पेड़ में, लेकिन जैसे हम यहाँ आते हैं तो ये सारा जल गया, इसकी पत्तियाँ जल गई, ये देखिए पत्तियाँ जल गई। तो इस पर कुछ एक्शन लिया जाए, किसने करा क्यों करा, अब अगली आग इसमें लगाने वाले हैं। तो पार्क की मेंटेनेंस के लिए ये पत्तियों में आग लगा रहे हैं, इसको रोका जाए। ये आप देख रहे होंगे कितने यहाँ पर पेड़ हैं, छाव बनी रहती है यहाँ पर। और ये एक पेड़ ऐसा है जो बाहर निकला हुआ है, जिसपे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, ये देखिए। साइड मिरर होना बहुत ज़रूरी है, पता रहता है, और लोग बस साइड मिरर लगाते हैं। मिरर तो छोड़िए साहब, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, जा रहे हैं देखिए बिना हेलमेट के। वायलेशन बहुत ही ज़्यादा होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, देखो स्टेशन में हॉर्न मार रहा है, सड़क खाली पड़ी है, मारे चले जा रहा है। और यहाँ देखिए गाड़ी लगी पड़ी है, ठेले लगे पड़े हैं, लंच कर रहे हैं लोग। अब हम आ गए हैं अपने घर, ये प्लॉट कब से खाली पड़ा है, बिक के नहीं दे रहा यार। तो आज ये टेस्टिंग का एक ब्लॉग था छोटा सा, तो खान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए, आगे और भी एक्सपेरिमेंट होंगे बढ़िया वाले। ये हमारे बहुत ही अच्छे दुकानदार हैं और नई खोली उन्होंने दुकान, अभी लगे पड़े मेहनत में। बैग पहने वाला जाओ, बाय कर दो, अरे भाई बाय कर दो, इधर 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 बाय करो। पापा जी, पापा नया वाला खरीद रहा है। हाँ बेटा पापा, पहनो पहनो, इसको दिला दो। नहीं अभी नहीं, प्लीज पापा को जल्दी है, प्लीज इसे एक टाइगर का बिस्कुट भी दे देना, टाइगर का बिस्कुट ले लो और जाओ।
ठीक है। बाय कर दो।